मायरा, उम्र 19, कद 5 फुट 5 इंच, जिला पंजाबी बा। ओए ते पास आईलाइनर है? नहीं आईलाइनर तो नहीं, लेकिन तीन खूबसूरत नौजवान लौंडे हैं। तरुण कुकरेजा, उम्र 20, कद 5 फुट 9 इंच, जिला पीतमपुरा। चावला, करण चावला, उम्र 20, कद 5 फुट 5.5 इंच, जिला रोहिणी। पीतमपुरा से अगर रिक्शा पकड़ो तो 15 मिनट का रास्ता है। काफी हसमुख किस्म के इंसान है। और ये है बत्रा, ऋषभ बत्रा, प्यार से हम इसे बत्री बुलाते हैं। फिलहाल तो ये 19 साल के हैं, लेकिन कल ये करण और तरुण की तरह 20 साल के होने वाले हैं। नो मोर अ टीनेजर। स्वैग चेक। तो भाई, दिल्ली की चुपती जलती गर्मी में बर्थडे मनाने से अच्छा है पहाड़ों की शांति में बर्थडे मनाए। तो बस निकल पड़े। पानी रख ले भाई। और इस बार हमारे साथ समृद्धि भी जा रही है। उम्र में तो सबसे बड़ी है, लेकिन कद सबसे छोटा। बिल्लियों की बड़ी शौकीन है। वैसे अगर ध्यान से इनकी शक्ल देखो तो इनकी शक्ल में भी मुझे एक बिल्ली दिखाई देती है। खैर, हर रोड ट्रिप की तरह शुरू शुरू में नए जोश में अंताक्षरी खेली और फिर हर रोड ट्रिप की तरह लाशों की तरह बिछ गए। सुबह उठे तो आंखों के सामने पहाड़ी बच्चे दिखे और फिर देखते ही देखते हम पहुंच गए लाइडा, अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल। तो भाई, अभी जहाँ हमें आना था वहाँ पे हम आ गए हैं, जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी उसके बाद एक पहाड़ी ऊपर चढ़नी थी और ऊपर से और पूरा लगेज, हाँ। बहुत सारा सामान था, हाँ। भरा हुआ था भाई सामान। और हम वो नॉर्मल लोग नहीं है जो एक बैग में आ जाते हैं, हाँ। एक बंदा तीन तीन बैग लेके आया, बड़े बड़े अटैचे वाले। भैया, हमारा सामान ज्यादा है क्या दूसरों के जो आते हैं यहाँ पे कस्टमर्स? आपको ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चल रख गया अभी से, अभी तो शुरू किए वहां से। कितना दूर है? दूर तो काफी था, लेकिन चलते चलते पेड़ों के नीचे से निकलते हुए हम पहुंचे गए। भाई साहब, हेलो जोगिंदर जी, आप हो? यस सर। ओके, गुड टू मीट यू। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, हमें तो मच नीडेड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई और हम पूरी थकान निकली। और फिर जो यहाँ के होस्ट हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी है, उनका नाम है जोगिंदर भैया। जोगिंदर सर, सर जोगिंदर सर, उनके लिए सर वाली रिस्पेक्ट आती है। बट अब जब से हमने देखा है और अभी तक ना, हाँ, उनकी ना स्माइल नहीं गई। और इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी उनकी, बहुत ज्यादा। नहीं, ये मकान मेरे खुद बना है। एक्चुअली मैं काफी सालों तक हिमाचल टूरिज्म में सर्विस करता रहा, अच्छा, एज ए सीनियर मैनेजर इन फॉरेस्ट मार्केटिंग। हम जो यहाँ के लोग हैं बहुत बोले वाले हैं और काफी जो जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट है, कोई भी वो नाराज, किसी को भी नाराज नहीं करते। और मैं चाहता इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहे और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों का प्यार बढ़ता रहे और इसी तरह आप बहुत से टूरिस्ट आते रहे और हमारा भी जो एक जो हमारे पास एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी लॉन्ग रन तक चलती रही और हम आपके साथ और हमारा मेल जो है बढ़ता रहे। थैंक यू। और हमारे साथ माहिरा और समृद्धि भी है। समृद्धि, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह। जोर से बोलना। हेलो, मैं आ गई हूँ। तू यहाँ की ट्रैवल गाइड है, टूर हमें तू पूरा इस जगह की टूर दे दे। वैसे हम भी पहली बार आए, तू भी पहली है, पर तू बता। हाँ, तो हम जैसे सबसे पहले आए, मैं तो पूरे रास्ते जैसाई राम जैसाई राम जैसाई राम कर रही थी, क्योंकि सारा वन वे रास्ता, वो भी पहाड़ों पे। मतलब एक तरह से गाड़ी आ रही है, दूसरी तरह से बंदा आ गया तो क्या ऊपर से जाएगा उसके। हम यहाँ पहुंचे और सबसे पहले हमने ये देखा कि बाहर जो टेबल लगी हुई है और आसपास सिर्फ हिल्स है, सिर्फ हिल्स। इस जगह के आसपास और कोई होटल नहीं है, उधर जो सारे लोग रहते हैं, ये सारा विलेज है, विलेज। तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं जो यहाँ के हैं। हमें चाय दी और चाय के साथ कोई क्या दे सकता है, मतलब पार्ले जी। सही बात। ज्यादा से ज्यादा नमकीन, आलू भुजिया, चलो गुड्डे भी दे दिए, ठीक है। पर हमें यहाँ पे मिले डार्क फैंटेसी चोको फिल्स, जो मतलब मेरी मम्मी पहले बोलती थी कि नहीं लेना, बड़े महंगे बड़े महंगे, वो आज हमें फ्री में मिल रहे। और ना हम जैसे ही पहुंचे ना, वहाँ ऊपर ना हमें म्यूजिक चलने की आवाज आ गई थी, तो हमें लगा प्ले कर रहा है कोई, जैसे स्पीकर सिस्टम पे, बट वो एक्चुअली गिटार प्ले कर रहे थे यहाँ पे। तो हम सीधा ऊपर गए और फिर बाद में पता लगा कि वो जो भैया है, नौमित भैया, वो जोगिंदर सर के बेटे हैं। तो दोनों एकदम बहुत ही हैंडसम हैंडसम है, टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। तो आते ही हम तो भाई तब से जैमिंग ही कर रहे हैं, बैठ के गाने गा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा
समझा भी मगर दिल ये माने कहा, बस इसकी जिद है तू बेफिक्र बता। बस उनका जो म्यूजिक है ना वो इंडी, मतलब जो एकदम हमारे टाइप का, एकदम हमारे, मेरे को ऐसा लग रहा था जब हमने बुक किया उन्होंने रिसर्च कर लिया था इनको गाने कैसे पसंद, ये पसंद है मैं सीख करूंगा। कितनी लवली ये रात तुम जो हो मेरे साथ, बन गया इश्क का कारवां, जब से देखा ये मुझे क्या हुआ, मानो जैसे यहाँ हार्ट क्वेक हुआ, सब रुख सा गया वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडन जैसे ब्रेक हुआ, दुरुरुरु तुरुरुरु नरारा तरारारा तरारारा सावली सी रात हो। इसी तरह गानों की महफिल चलती रही और फिर क्या हुआ था मेरा? फिर उसके बाद सारे बारी बारी नहा के आए और एकदम पहले ठंडा ठंडा पानी आया, पीछे चला दियो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है चला दियो। फिर उसके बाद क्यों आज तू हमें मत बताइयो कि क्या एडिट करना है, ठीक है? तो काम आसान कर रही हूँ मैं। थैंक यू। तो अब हम नहा चुके हैं और हम बाबू बन चुके हैं। नहीं फिर से करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हम नहा चुके हैं और हम बाबू बन, नहीं तो अब हम नहा चुके हैं और हम बाबू बन चुके हैं। सबसे ज्यादा ये था लास्ट। तो अब हम नहा चुके हैं, हम बाबू बन चुके हैं, पीछे से लगा दियो कोई अच्छी सी ट्यून, ठीक है? और कुछ लगाना है? थोड़ी लिपस्टिक लगा दी, मैंने लिपस्टिक लगाना भूल गई नहाने के बाद। लिपस्टिक लगा दियो। आईलाइनर अभी कैजुअल है ना थोड़ा, तो लिपस्टिक लगा दियो, थोड़ा हाइलाइटर हो सके तो लगा दियो। और खाना इसमें जैसे रूम्स नीचे हैं, ऊपर कॉमन रूम है जहाँ पे गेम्स और सब कुछ है, और उसके बाद डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम में नीचे बैठ के खाएंगे, हम ऊपर देख के आए सारा बहुत सुंदर बना रखा है, इतना अच्छा डाइनिंग रूम जहाँ पे सारे आराम से बैठ के नीचे खाना खा सकते हैं। मतलब इस जगह का मुझे ये मिल गया कि अगर मैं एक बड़े होकर एक हॉलीडे होम बनाऊंगा तो मैं ऐसा बनाऊंगा। सच में तरुण ग्रीन बना हुआ है, ये घास में लेट के छुप जाएगा। गिली सूट, गिली सूट ग्रीन है, ऐसे ऐसे छुप जाएगा इस घास में, फिर बाहू करेगा। उसके बाद थोड़े गप्पे शप्पे मारे, फिर थोड़ी देर में जोगिंदर भैया ने बुलाया और बताया कि खाने में बने हैं शाही पनीर और दाल मखनी और जो साथ में चटनी दी थी। कसम से बता रहा हूँ जोगिंदर भैया रोटी देते देते थक गए। तो ये जो जगह है इसका नाम है कॉमन रूम, ये हर एक हॉस्टल में होता है और इसका कंसेप्ट ये है कि सब लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं और यहाँ गेम्स है। क्या तुम भी हमारे साथ जंग खेलोगे? अभी हमने लंच करा है और यहाँ का जो खाना होता है ना वो एकदम घर की फील देता है, वरना जनरली घूमने जाते हैं ना तो रिग्रेट में रह जाते हैं रोज बाहर का खाने। सही बात है, यहाँ मतलब घर का एलीट वर्जन, घर पे जब अच्छा खाना बनता है ना, घर का टेस्टी वर्जन जो कभी हफ्ते में एक बार बनता है यहाँ पे रोज बनता है। अभी हम जब से आए हैं ना तब से हिलने डुलने का मन ही नहीं कर रहा कि कुछ देख के आए, यही आसपास चले जाए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे पूरी दुनिया बसी है, मन लग गया बहुत ज्यादा। बिटवीन एवरी टू पाइंस देयर इज अ डोवे टू अ न्यू वर्ल्ड, क्या बात। खैर फिर हमने भी सोचा कि ये जगह का नाम जो लाइडा है वो लाइडा है क्यों? यहाँ जो बुजुर्ग थे हमारे ना वो लाडले नाम से पुकारे जाते हैं। लाडला हमें कहीं पूछते थे कि इसको पहले बहुत कम आदमी थे यहाँ कि पूछे आप कहाँ है, उसने सोचा कि यार मैं क्या नाम रखूँ यहाँ का। सही में ऐसा हुआ था? उसने ऐसा कहा, मैं सही में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, जरूर पूछो कि भाई उसने कहा है कि यार मैं क्या नाम रखूँ यहाँ, उसने सोचा यार मेरा नाम लाडला है इसलिए मैं लाइडा ही कर दूँ उसको, उसने लाइडा ही नाम रख लिया। मैं भी अपने घर का नाम लाइडा रख दूं। लोग यहाँ के उनके एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और थोड़ा लोग इधर काम करते हैं, कुछ सर्विस में भी है, लेकिन संतुष्ट है और संतुष्ट है वो, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, तो इसलिए हाँ खुशी का माहौल है, हर रोज खेतों में काम करते हैं, दूध ले जाते हैं, इसलिए ये उनका एक फिटनेस का वाला बहुत ज़्यादा है। इसको नंडाई कहते हैं? सब्जी की निराई हो रही है। आपका ये किस चीज का खेत है? धनिया।
मिर्च का भी खेत होता है? हाँ, मिर्च का खेत होता है, कहाँ होनी मिर्च। इधर देख क्या आंटी, एक बारी हंस दोगे? हंस दोगे? सुना क्या है, दांत निकले हैं बूढ़ी के, दांत है ही नहीं। आप सुना क्या आप? बहुत प्यारे लग रहे हो आंटी, मस्त एकदम। फिर आंटी अपनी लड़ाई में लगी रही और हम घूमते फिरते टहलते टहलते पहुंच गए अपने अड्डे पर। और पहुंच के पता लगा कि सुबह से जिनके साथ हम खा रहे हैं, गा रहे हैं, वो एक टॉलीवुड के सुपरस्टार है। इस जगह पे ना हम आए और इतने सारे म्यूजिशियंस मिल गए हमें, सारे लोग ऐसे। एक तरुण रैपर है और यहाँ पे जो मैनेज करते हैं, जो यहाँ पे भैया जिनका जिनकी ये जगह है, तो उनके जो बेटे हैं वो भी म्यूजिशियन है। नाउ कमिंग टू द रियल डील, वी जस्ट गॉट टू नो, हम ना जाम कर रहे थे और ये गाना गा रहे थे, इतना सही सही गाना गा रहे थे, मस्ट हैव हर्ड इन द लॉग। सो मेरे को लग रहा था ये ऐसा तो नहीं है, ये शौकिया गा रहे हैं, ही हैज टू बी अ लेजिट थिंग। एंड अभी सुबह सुबह आई जस्ट आस्क्ड हिम कि व्हाट डू यू डू मतलब इन चेन्नई, सो ही सेड ही इज अ प्लेबैक सिंगर इन टॉलीवुड, ऐसे ही कैजुअली बोल दिया। तो व्हाई डू यू टेल अस अबाउट व्हाट यू डू, हमें तो पता है बट आई लाइक एवरीबॉडी शौक ही है म्यूजिक प्लस a little more passionate, yeah. And it turned out very work for me, yeah. I was like fortunate among few people, you know, who got a little break and all that, right. Into, so I majorly sing in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, right. Basically from Kerala. So okay, now let's talk something controversial. What do you think, how would you compare Bollywood music to the Tollywood music? अब तो बॉलीवुड में आई थिंक देर आर फ्यू गुड सॉन्ग्स कमिंग आउट, प्लस यू नो इट्स मोर ऑफ कमर्शियल, बट कंपेयर टू वेर इन केरला एंड ऑल दैट दिस फिल्म्स, यू नो इट्स मोस्ट स्टोरी ओरिएंटेड। इन तमिल देर आर फ्यू कमर्शियल मूवीज, मोर ऑफ कमर्शियल मूवीज, बट कंपेयर टू दैट इन केरला इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो सॉन्ग्स, यू नो इट्स मोर ऑफ आई थिंक मोर ऑफ सोलफुल सॉन्ग्स, बिकॉज द फिल्म इज लाइक दैट। सो आई थिंक yeah, it's a little more commercial over there in Bollywood, I would say. Yeah. Tell us about the songs jo aapke aaye hue movies mein. Matlab kaun si movies thi wo? There is a song called Om Mai Lavar Kannu from Rajini Murugan. Okay. To be, that was the song which gave me a major break. Okay. And after that was your debut song? That wasn't my debut. My debut was for the same music director. Okay. His name is Iman. Okay. What language do you enjoy the most? Yeah, that's what I was saying. Yeah. Which language? I probably enjoy Malayalam. Malayalam. Because I'm more connected to it. But your mother tongue is? Malayalam. Malayalam? Yeah. In fact, I've sung the Tamil version of O Sona. Have you heard that? O Sona from Mom. O Sona Teli. So how are you enjoying over here? How are you liking the place? It's very good. Like over there in Chennai, it's a bit of chaotic. Like, you know, it's very too much of noise and all that. So I always move away from all that, you know, at least for 2-3 days or something. So it's very peaceful, right? If you're not talking over here, just close your eyes. Just sit. That's it. You can feel the silence. So I think that's bliss for me. After music, that's bliss. I feel like people who are creative, who are artistic inside their head or whatever, they... you know, they connect a lot to nature. Yeah, true. Yeah, so you need that at some point of time. So it gives you, you know, it's like a refreshment for you. So once you experience everything over here, and once you go there, that's like it'll take time to get over this. You know, that helps actually. Chalo, we'll let you be now. Yeah. Think about stuff. Not a problem. Nice to meet you we'll guys. Let you close your eyes. Yeah, exactly. And, you know, it's crazy when you talk about pin drop silence and all that. That's what. That's this is the is. Actual pin drop size. And it's there is no pollution, nothing. Right. Fresh air. This is called fresh air. And we're from Delhi. Yeah. We're from Delhi. You're lucky. All right, man. Thank you so much. Yeah, man. Thanks meeting you. Thank you so much for coming on the show. Mutt mutt aasai. Na 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 na. Vennilave tottu. முத்தமிடாசை என்ன இந்த பூமி சுத்தி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முழிந்து விட்ட ஆசை ஓ வெண்ணிலவை தொட்டு முத்தமிடாசை என்ன இந்த பூமி சுத்தி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சொட்டி சி ஆஷா மஸ்தி வரை மன்கி உனக்கு ஆசா। चलो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं कुछ नए गानों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। और हाँ,
पत्रा का बर्थडे भी तो मनाना है। One, two, three.